आज हम आपको बताएंगे अमरूद के पौधे को चेंज करने का तरीका कि आजकल जो है ये पौधे कैसे बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जी माहिर, क्या कहते हैं, नर्सरी के, इनकी अपनी नर्सरी है, और शबीर साहब हैं जी बहुत माहिर हैं इन पौधों के साथ। ये जनाब जो शाख है ना, ये वाली जो शाख है, ये सिलेक्ट की जाती है इस जगह के ऊपर फिर बांधी जाती है, जिसमें थोड़ी मिट्टी और बाकी चीज़ें होती हैं, केमिकल होता है। तो यहाँ पे पौधा जो है वो शाख अपना जड़ें पकड़ता है, उसके बाद फिर इसको इधर से काट देते हैं और इसको ज़मीन में बीज देते हैं। तो ये इतना बड़ा पौधा जो है वो तैयार हो जाता है, इसको कहते हैं जी अपना दाबी अमरूद। तो ये तैयार पौधे जो है बड़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं। ये देखें आप, हमने पिछले साल पौधा लगाया था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा मेरे कद से छोटा था, लेकिन आप देखें आप माशाल्लाह कितना ये फैला हुआ है। ये इसके दो चार दिन जो इसको अमरूद आप देखें कितना लगा हुआ है। पिछले साल जो हमने लगाया था तो ये उन्होंने कहा था हमें कि अगले साल इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा फल मिलेगा। तो जी ये आपके नर्सरी में कितने पौधे इस तरह के तैयार किए हुए हैं आपने? बहुत ज़्यादा तैयार हैं। इनके पास पौधे अगर किसी हिसाब से चाहिए हो तो वो ले सकते हैं, इस हिसाब से नर्सरी डेंजर फल। तो ये देखिए आप इसके ऊपर अमरूदों की तरह देखें, ये तकरीबन मुझे लगता है कि 500-600 दाने से ज़्यादा लगा हुआ है। अगर एक साल में इतनी फसल तैयार होगी तो इंशाल्लाह जो अगले साल तो ये बहुत ज़्यादा फसल देगा ना। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप इसको तैयार करें, और अगर आपके पास अमरूद के पौधे लगे हुए हैं तो आप उस पौधे से ही अगले अपने पौधे तैयार करें, जगह पर लगा के यहाँ से काटें और इसको बीज में लगाएँ, तो आपका नया पौधा तैयार होता जाएगा और इसकी कांटें ठीक हो जाएगी और अगले साल ये ज़्यादा काट देगी। तो जी मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया।